नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। निधि के बारे में इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, आखिरी तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी है, ध्यान से। निधि कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है? कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि अगर पैसे हमारे पास स्पेयर में पड़े हुए तो उसको हम लोग क्या करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निधि सिर्फ कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकती है। सबसे पहला, निधि गोल्ड लोन दे सकती है। दूसरा, निधि मॉर्गेज लोन दे सकती है। तीसरा, वो अपने डिपॉजिट पे लोन दे सकती है। और चौथा, वो LIC या फिर कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट में लोन दे सकती है। लोन किसको दे सकती है? सिर्फ मेंबर को दे सकती है। और मैं बताऊं कि निधि को जिस बैंक में आपने पैसे जमा किए हैं, वहां पर अगर आपने पैसे डिपॉजिट करके रखे हुए हैं तो उस पे ब्याज लेने का अधिकार है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो पैसे आपके पास स्पेयर पड़े हुए हैं उसको ऑटोमेटिक FD या स्वीप FD अकाउंट में डालिए, ताकि वो वाला FD पे आपको ब्याज मिलता रहे। उसका कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल मत सोचना, वो अलाउड नहीं है। तो एक बार फिर से बता दूं, ये क्वेरी सारे लोग ध्यान से सुन ले, निधि अपने मेंबर्स को लोन देने के अलावा कहीं पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। केवल बैंक में आपको पैसे रखने का अधिकार है। पैसे एक्स्ट्रा है तो उस पर आपको ब्याज जो मिल जाएगा उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ये एकदम विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, जो जिनका माइंड मेरे समझ में नहीं आता, बोलते हैं कि अगर मुझे क्लाइंट नहीं मिले जिसको मैं लोन दे पाऊं तो क्या करूंगा। दोस्तों, आप व्यापार करने के लिए बैठे हो, आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे इसका मतलब आप इंटरेस्टेड नहीं हो व्यापार करने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको व्यापार कैसे करना है, निधि का व्यापार कैसे करना है, ये आप सीखना चाहते हो ना, तो आप ट्रेनिंग में आओ, आप कंसल्टिंग में आओ, आप ट्रेनिंग अटेंड करिए। आपको व्यापार कैसे करना है, किस तरीके से लोग आपको मिलेंगे, कस्टमर कैसे, भीड़ लग जाएगी आपके पास, ये सारी चीजें आपको सिखाने वाला हूँ। डिपॉजिट लेना भी बहुत आसान है, लेकिन वो सारी टेक्निक्स ट्रेनिंग में आएंगे तब आपको समझ में आएगा। जब आप कंफ्यूज्ड माइंड है तो आइए ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद व्यापार चालू करते हैं। आप जानते हैं कि मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों का मदद करना और सही इन्फॉर्मेशन समय पर देते जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।